प्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने किया था पाठ चार जल देवता के शब्दार्थ, और अब समय है इसी पाठ के खाली जगह भरो करने का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी हिंदी नंबर 1 नोटबुक निकालेंगे और उसमें एक नया पेज भी निकालेंगे। ठीक है, नए पेज पर पहली लाइन में लिखेंगे पाठ चार जल देवता। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे खाली जगह भरो पूर्ण विराम। ठीक है, अगली लाइन में लिखेंगे नंबर 1, और नंबर 1 है फिलिप, फिर से लिप, प, फिलिप, बहुत, ब, ह में छोटा की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा हो, त, बहुत, डैश, था, क्या उत्तर होगा? फिलिप कैसा था? फिलिप बहुत गरीब था। आइए लिखते हैं ग री, र में बड़ी की मात्रा री, ब गरीब, फिलिप बहुत गरीब था, और इस शब्द को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2 है फिलिप, फिक, लिप, प, फिलिप, नदी, में, डैश, डालकर, डाल कर, डालकर बैठ गया। वहां में किसकी मात्रा? आई की मात्रा, बैठ गया, ग या, और आएगा पूर्ण विराम। क्या डालकर बैठ गया था नदी में? नदी में कांटा डालकर बैठ गया, कांटा, कमे आ की मात्रा भी और चंद्र बिंदु भी, कांटा डालकर बैठ गया। शब्द को नीचे वाली लाइन पे अंडरलाइन करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे नंबर 3, और नंबर 3 है मछली म छ ली, मछली बहुत, ब हमें छोटा ऊ की मात्रा, बहुत बड़ी, ब, ये क्या हो गया, ड लिख दिया मैम ने? नहीं, आप बनाइए ड और इसमें बड़ी की मात्रा, और अब जाके बनाइए बड़ी, बड़ी, और डैश थी, कैसी थी? बड़ी थी और यस सुंदर थी, सुन द र सुंदर, मछली बहुत बड़ी और सुंदर थी। एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे नंबर 4, और नंबर 4 है जल देवता फिलिप, फिक, लिप, प, फिलिप से, डैश हुए, हुक, ए, पूर्ण विराम। क्या हुए, प्रसन्न हुए या नाराज हुए?
हुए, क्या हुए? प्रसन्न हुए। आइए लिखते हैं प्र, कैसे लिखेंगे प्र? प में नीचे पदेन की र की मात्रा, प्र स आधा न पूरा न प्रसन्न। जल देवता फिलिप से प्रसन्न हुए। आइए जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, फिलिप बहुत गरीब था। नंबर दो, फिलिप नदी में कांटा डालकर बैठ गया। नंबर तीन, मछली बहुत बड़ी और सुंदर थी। नंबर चार, जल देवता फिलिप से प्रसन्न हुए। आशा करती हूँ बच्चों आपको खाली जगह भरो अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये काम अपने हिंदी नंबर वन नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करके जल्दी से मुझे भेज दीजिए। धन्यवाद।